हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है कि हम लोग ड्रिल मशीन को वुड कटर में कैसे कन्वर्ट करें। इसके पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं जिसपे मैंने कन्वर्टर रॉड का यूज किया था, मगर मैंने इस वीडियो में बनाया था कि इसमें सेफ्टी मेजर्स कुछ भी नहीं है और रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। तो आज हम जिस अटैचमेंट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं उसमें अच्छे खासे सेफ्टी मेजर्स हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे असेंबल करते हैं और लास्ट में हम लेंगे इसका डिटेल डेमोस्ट्रेशन और देखेंगे कि इसको खरीदना चाहिए या फिर नहीं, और हम बात करेंगे इसके सेफ्टी फीचर्स और रिस्क फैक्टर पर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले आपको इसके अंदर मिल जाती है एक 4 इंच की कटर ब्लेड, फिर आपको इसके अंदर मिल जाती है कुछ एसेसरीज, स्पैनर और कुछ स्क्रूज, फिर यह है इसका हैंडल, फिर आपको यहाँ पर दो मिल जाते हैं प्रोटेक्टिव कवर, ये है एंगल ग्राइंडर के लिए और ये है वुड कटर के लिए। साथ में आपको यहाँ पर मिल जाता है एक डेप्थ स्केल और फिर एक मिलता है एक्स्ट्रा स्पैनर फ्लैंज टाइट करने के लिए, और ये है हमारा कन्वर्टर जिसके अंदर सारी एसेसरीज हमारी लगेंगी। फाइनली फिर यहाँ पर आपको मिल जाती है एक बेस प्लेट बहुत अच्छी क्वालिटी की, वो भी डिग्री ऑप्शन के साथ में। तो यहाँ पे आपको मिलता है एक स्पैनर और फिर आपको यहाँ पर मिल जाती है एलन की और यहाँ पे देके रखा है इसका डेप्थ एडजस्टमेंट और हमको मिल जाते हैं कुछ स्क्रूज। सबसे पहले ये जो हमारी बेस प्लेट है इसमें हम फिट करेंगे अपना ये डेप्थ एडजस्टमेंट। डेप्थ एडजस्टमेंट को हम अंदर की तरफ से फिट करेंगे, बाहर की तरफ से फिट करेंगे तो ये गलत होगा, आपको फिट करना है अंदर की तरफ से, और ये जो फिर इसके साथ में ब्लैक स्क्रू आए हैं इसको हम टाइट कर देंगे। फिर ये जो हमारा कन्वर्टर है इसमें हम अपना ये प्रोटेक्टिव कवर फिट कर देंगे, ये थोड़ा सा टाइट अंदर जाएगा, और फिर जो आपको इसके साथ में आया है स्क्रू और ये स्क्वायर नट इसको हम लोग यहां पर लगा देंगे। इसके साथ में हमें ये बड़ा स्क्रू और ये नट मिला है, ये फिट होंगे इस तरफ जहां पे डिग्री कटिंग का ऑप्शन होता है। तो अब मैं इसको यहां पर फिट करता हूं। इसके साथ जो हमें स्पैनर आया था इसकी मदद से हम ये वाला स्क्रू टाइट करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा इतना काम हो चुका है, बेस प्लेट पे डेप्थ एडजस्टमेंट लग चुका है, कन्वर्टर लग चुका है और ये प्रोटेक्टिव कवर भी लग चुका है। अब जो हमारा ये विंग बोल्ट है इसको हम इस तरफ फिट कर देंगे। अब ये जो पोर्शन दिया है ये दिया है हैंडल के लिए, तो यहां पर हम हैंडल फिट कर लेते हैं। यहां पर देखे रखा है डिग्री कटिंग का ऑप्शन 0, 15, 30, 45, तो यहां पर जरा मैं इस स्क्रू को लगा लेता हूं। फिर ये जो इसका स्केल है इसको फिट करना बहुत ही आसान है। यहां पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है स्लॉट, इसके अंदर हम इसको इंसर्ट करेंगे ये देखिए, और इस स्लॉट में से बाहर निकलेगा और फिर यहाँ पर ये जो ब्लैक स्क्रू थे ये टाइट हो जाएंगे। फिलहाल अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ। अभी यहाँ पर सारा काम हमारा हो चुका है ख़त्म, अब हम कर लेते हैं इसमें ब्लेड फिट। जैसा कि आपको मालूम है कि वुड कटर मशीन के ब्लेड के ऊपर वाले नट क्लॉकवाइज खुलते हैं, तो जैसे अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये भी खुलेगा, वैसे ही फंक्शन इसके अंदर देकर रखा है, और यदि आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये टाइट होगा, बिल्कुल अपोजिट उल्टा फंक्शन इसके अंदर देके रखा है। तो अभी मैं जरा इसको खोल लेता हूँ। तो मेरी ब्लेड के एरो इस तरफ हैं और इसका भी एरो इस तरफ शो हो रहा है, इसके लिए मैं इसको इस तरफ से ही लगाऊंगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लेड में इतना गैप है, तो इसके साथ में मेरे को आई है एक रिंग जो मैं इसमें फिट करूँगा। फ्लेंच के अंदर मैंने ब्लेड और रिंग फिट कर दी है, अब मैं फिट करूंगा ये नट। जैसा मैंने आपको बताया था कि यदि आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये टाइट होगा, तो आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, देखिए और ये हो चुका है टाइट। अब मैं स्पैनर की मदद से और इसको अच्छे से टाइट कर लूंगा।
तो यहाँ पर जो मेरा वुड कटर कन्वर्टर था वो हो चुका है पूरा रेडी। अब ये मेरी ब्लेड नीचे है, ऊपर करने के लिए मुझे जस्ट इसको ऐसे करना है और यहाँ पर जो विंग बोल्ट था उसकी मदद से मैं इसको यहाँ पे टाइट कर दूंगा। तो अब हम कर लेते हैं इस पूरे कन्वर्टर का वेट। तो इसका वेट है कुछ 634 ग्राम, मतलब 650 ग्राम के आसपास। तो आपको ड्रिल मशीन के साथ 650 ग्राम का एक्स्ट्रा वेट उठाना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये हमारा हो चुका है रेडी। अब हम इसको फिट करेंगे ड्रिल मशीन में और फिर हम लेते हैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन और देखते हैं कि ये कैसा काम करता है। तो अब हम इसको फिट कर लेते हैं ड्रिल मशीन में। तो आप देख सकते हैं कि अभी मुझे कुछ इस तरीके से ड्रिल मशीन के साथ इसको चलाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो कनेक्टर है इसको मैं अपसाइड कर देता हूँ। मैं यहाँ से इसको ढीला करूँगा और फिर ये जो है इसको मैं अपसाइड कर देता हूँ, ये देखिए। और अब हम कर देते हैं इसको यहाँ पर टाइट वापस से। अब मैं कुछ इसको इस प्रकार से चला सकता हूँ, ये देखिए। यहाँ पे मैं हैंडल को पकड़ूंगा और यही रहेगी मेरी ड्रिल मशीन। अब ये बिल्कुल परफेक्टली ऐसा चलेगा और फिर हम इससे लकड़ी बहुत आराम से काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी मैंने लिए 12 mm की प्लाई। पहले हम इसको काट के देखेंगे, उसके बाद हम काटेंगे 18 mm की प्लाई। तो सबसे पहले जरा मैं इसकी ब्लेड को कर लेता हूँ नीचे। अब ये हमारी मशीन हो चुकी है रेडी। चलिए अब इसे काट के देखते हैं कैसा है इसका परफॉर्मेंस। फ्रेंड्स, इसने ये प्लाई तो काटा है मगर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा गंदा है। खैर, इन्हें सेफ्टी फीचर्स तो बहुत अच्छे दिए हैं, खतरे वाली कुछ भी बात नहीं है, बट जब ये घूमती है तो अच्छी खासी वाइब्रेट होती है। तो जब वाइब्रेट होती है तो आपकी जो ये प्लाई है वो सीधी नहीं कटती, आड़ी टेढ़ी कटती है। चलिए अब हम 18 mm की प्लाई काट के देखते हैं। जरा मैं थोड़ा आपको पास से दिखाता हूँ तो आपको क्लैरिटी आएगी प्लाई को कैसे काटा। ये देखिए, सीधा नहीं है, बेसिकली ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे है। रीज़न ये है, जो ड्रिल मशीन है वो अच्छी खासी वाइब्रेट करती है। और ख़ास तौर से बिगनर्स को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इस तरीके की चीज़ को आप ना लें, ख़ास तौर से वुड कटर, क्योंकि आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। अच्छा खासा वाइब्रेशन है, फर्स्ट सेकेंड RPM भी कम है, तो जब आप काटेंगे तो आपको अंदर से घबराहट होगी, डर लगेगा कि आपकी मशीन पूरी हिल रही है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं क्या हमें ये अटैचमेंट खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि इस अटैचमेंट को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण, जब आप इस अटैचमेंट के साथ ड्रिल मशीन चलाते हैं तो ड्रिल मशीन अच्छी खासी वाइब्रेट करती है। उसका रीज़न यह है कि आपने ड्रिल मशीन के सामने एक 650 ग्राम का वजन डाल दिया है, जिसके कारण ड्रिल मशीन प्रॉपरली नहीं चल पाती है। और जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो ये कि हमारी वुड कटर मशीन घूमती है 11,000 या फिर 12,000 RPM पे, उसकी अगर हम तुलना में ड्रिल मशीन को देखें तो ये घूम रही है सिर्फ 2800 RPM पर। वुड कटर मशीन से 4 गुना RPM इसका कम है। यही वजह है कि ये प्लाई को अच्छे से नहीं काट पाती है और जो हमारी प्लाई है वो zigzag फॉर्म में कटती है। बिगनर्स को तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये अटैचमेंट लेने से आप बचें। मगर हाँ, यदि आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है या फिर कोई नॉलेज चाहिए तब आप इसको ले सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मशीन और टूल्स के वीडियो सबसे पहले आप तक आ सके। तो अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।